प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। काठमांडू में आज से शुरू हुई भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा समन्वय को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में किया जाएगा आयोजित। और रायपुर में आयोजित सीएम ट्रॉफी बैडमिंटन स्पर्धा में तमिलनाडु की टीम रही विजयी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकित मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की दूसरी बड़ी हस्ती है जिन्हें यह सर्वोच्च सम्मान मिला है। इससे पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को यह सम्मान दिया गया था। यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह किसी देश द्वारा श्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए हैं। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। ब्राजील की दो दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। श्री मोदी की G20 शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं से मुलाकात होने की भी संभावना है। रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री मोदी का स्वागत किया गया। ये वैदिक मंत्रोच्चार विश्व विद्या संस्थान से जुड़े लोगों ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी की। श्री मोदी के ब्राजील दौरे को लेकर वहां का भारतीय समुदाय खासा उत्साहित है। प्रधानमंत्री के पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति भी दी। भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा समन्वय को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आज काठमांडू में शुरू हुई। इस बैठक में सीमा पार अपराध नियंत्रण, तीसरे देश के नागरिकों का अवैध प्रवेश, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। नेपाली पक्ष ने सीमा सुरक्षा को लेकर कई प्रस्ताव पेश किए जिनमें अपराध नियंत्रण, सूचना के आदान प्रदान, राजस्व रिसाव की रोकथाम और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उपाय शामिल हैं। बैठक में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद की अगुवाई में 6 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख आर्यल समेत अन्य उच्च सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। भारत और नेपाल के बीच इस तरह की बैठकें दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारतीय स्टेट बैंक की अतुलनीय विकास गाथा की सराहना की। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा भवन में शताब्दी समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय किया गया था जो आज भारतीय स्टेट बैंक बन चुका है। इस बैंक की 1920 के दशक में 250 शाखाएं थी। आज भारतीय स्टेट बैंक की 22,500 से अधिक शाखाएं, 65,000 ATM, 85,000 बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट और 50 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक फॉर्च्यून 500 में सूचीबद्ध एकमात्र भारतीय बैंक है। श्रीमती सीतारमण ने देश के डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने और इनका विकास करने के लिए भी भारतीय स्टेट बैंक की सराहना की। वित्त मंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक को इसके देश भर में फैले 43 विरासत भवनों को संरक्षित करने के लिए भी प्रेरित किया। श्रीमती सीतारमण ने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। वहीं भारतीय स्टेट बैंक का विकास खंड 5 शीर्षक की एक पुस्तक और भारतीय स्टेट बैंक का विकास खंड के ऑडियो बुक का भी विमोचन किया। इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। यह कार्यक्रम आगामी 11 और 12 जनवरी को आयोजित होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में युवाओं को अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि इस आयोजन में देश भर से चुने गए 3000 युवा प्रतिभागी भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। विकसित भारत चैलेंज के तहत युवाओं के लिए क्विज, निबंध और अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी, जिससे वे अपनी राय और विचार व्यक्त कर सकेंगे। विकसित भारत के लिए कुल 10 थीम पर देश के यूथ अपने विचार को साझा करने के लिए ऐसे के रूप में वो पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर सभी विनर ग्रुप का प्रेजेंटेशन होगा और ये प्रेजेंटेशन में जो सक्सेस रहेंगे उसको 11 और 12 तारीख को विकसित भारत यूथ डायलॉग में उपस्थित रहने का अवसर मिलेगा। विकसित भारत यूथ डायलॉग में स्वयं प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और देश के युवा विकसित भारत बनाने में अपना विचार को साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य देश भर के युवा प्रतिभा को पहचानना और उन्हें उचित मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपने विचारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रख सकें। इस संवाद के जरिए युवाओं को देश के शीर्ष निर्णय निर्माताओं और प्रमुख राष्ट्रीय तथा वैश्विक हस्तियों से बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग सरकार और जनता के बीच विश्वास का एक सेतु है, जो सुनिश्चित करता है कि हर संसाधन का सदुपयोग हो और हर निर्णय समाज के हित में हो। राज्यपाल रमेन डेका ने आज प्रधान महालेखाकार कार्यालय में लेखा परीक्षा सप्ताह का शुभारंभ करते हुए यह बातें कही। महालेखाकार कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि लेखा परीक्षा केवल सरकारी व्यय और राजस्व की जांच तक सीमित नहीं है, यह प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जनसेवा में उत्तरदायित्व का एक सशक्त माध्यम है। भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में इस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह न केवल सरकारी कार्यों में वित्तीय अनुशासन लाने का कार्य करता है, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने का महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाता है। इस विभाग के अधिकारियों की निष्पक्षता और कर्मठता ने इसे एक सशक्त संस्थान के रूप में स्थापित किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। रायपुर में आयोजित CM ट्रॉफी बैडमिंटन स्पर्धा में तमिलनाडु की टीम विजयी रही। CM ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और बेहतर खेल अधोसंरचनाएं विकसित भी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ व कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रायपुर में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। खिलाड़ी आए, सभी खिलाड़ियों का यहाँ पर स्वागत है और आज इस फाइनल प्रतियोगिता में तमिलनाडु के 2 डबल मेंस में जीते रुबन कुमार और हरिहरन, तो उनको हम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं।
उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं खिलाड़ियों से बातचीत करके उनकी अपेक्षाओं को जानने समझने का प्रयास करता हूं। दुबई के अबू धाबी में आयोजित 14वां इंटर कल्चरल ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट 2024 में कोरबा की नम्रता बरेट ने कथक नृत्य में गोल्ड मेडल जीतकर कोरबा सहित छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। वहीं 8 साल की मासूम पर्वता योथा ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर सिल्वर मेडल अब जीतने में बड़ी सफलता हासिल की है। कथक शिक्षक मूरध्वज वैष्णव ने बताया कि ग्लोबल काउंसिल ऑफ आर्ट के बैनर तले आयोजित इस प्रतियोगिता में 36 देशों के कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आए हुए थे जिसमें पूरा नाम तो नहीं जान पाऊंगा, लेकिन हमारे इंडिया के अलावा नॉर्वे, इंग्लैंड, अमेरिका सभी तरफ से आए थे। और उसमें बड़ी खुशी की बात हुई कि हमारी शिक्षा ने गोल्ड अवार्ड जीता। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नम्रता बरेट और नन्ही डांस कलाकार पर्वता योथा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरु और माता को दिया है। मम्मी के आशीर्वाद से दुबई में जो 14 कल्चरल ओलंपियाड जो हुआ जिसमें मैंने हिस्सा लिया और वहां से गोल्ड मेडल के साथ साथ गोल्डन स्टार अवार्ड भी मुझे प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ कि इतना अच्छा अवार्ड वहाँ से मैंने लेके आया। मैं अबू धाबी दुबई गई थी, मैं सिल्वर मेडल जीत के आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। गौरतलब है कि दुबई के अबू धाबी में 8 नवंबर से 10 नवंबर तक 14वां इंटर कल्चरल ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट 2024 का आयोजन किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा समन्वय को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आज काठमांडू में शुरू। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में किया जाएगा आयोजित। और रायपुर में आयोजित सीएम ट्रॉफी बैडमिंटन स्पर्धा में तमिलनाडु की टीम रही विजयी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।